दो से दो का परमिशन, कभी 12 बजे परमिशन मिल जाता है, कभी 2 बजे परमिशन मिल जाता है, उसका हम विरोध करते हैं। हम बोलते हैं कभी इमरजेंसी हुआ तो 2 का शिफ्ट दो, डेली 2 का शिफ्ट। 2 का शिफ्ट के लिए हमारे लोग 3 बजे आते हैं, 4 बजे शूटिंग खत्म होता है, स्टेशन पे बैठते हैं, 6 बजे 7 बजे आते हैं, फिर 9 का शिफ्ट रख दिया जाता है। तो 2 का शिफ्ट का हमको विरोध करना है, 2 का शिफ्ट लगभग कम करना है। हफ्ते में 15 दिन में 1-2 दिन हो गया चलेगा, डेली 2 से 2 और 12 घंटा 15 घंटा 16 घंटा शूटिंग हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। और कुछ मेंबरों का मेरी से शिकायत है, इक्विपमेंट और आर्ट डायरेक्टर के अंडर में जो काम करते हैं, हमारे मेंबर ही हमको आके बोलते हैं कि हमको पेमेंट मिलने के बाद भी यूनियन से उनको देना पड़ता है। तो मैं बोल रहा हूं ये आपकी कमी है, अगर आर्ट डायरेक्टर या इक्विपमेंट मालिक को आप पूरा पेमेंट पाने के बाद दे देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपना हक के लिए, आपको भी इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा कि आपके पास आने के बाद आप किसी को पैसा नहीं देंगे। रही बात स्ट्राइक की, स्ट्राइक हमने एनडी स्टूडियो बीकेसी में कुछ कारणों से कुछ डिमांड को लेकर किया था। जो 10-10 साल से लोग काम कर रहे थे वो लोग नहीं गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए, जिसको काम नहीं मिलता या हमारे विरोधी हैं हमको झुकाने के लिए। मैं बोल रहा हूं मेरे कितने भी विरोधी हो, इलेक्शन में सब एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन जब यूनियन की शान की बात होता है तो उस विरोधी को भी मेरा साथ देना चाहिए। और ऐसे चीजों के लिए आज मैं लीडर हूं, कल मेरे जगह पे कोई और रहा तो उसको मैं गिराने की कोशिश करूं। हाँ, हमारी लड़ाई उससे रहेगी, हमसे जो हमारे विरोधी हो हमसे लड़े, लेकिन जब यूनियन की शान की बात आवे तो उस समय तो मेरा साथ दो यार। और ऐसे लोग हैं कि उस समय दूसरे लोग हटते हैं, तीसरे लोग जाते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मत जाओ। और जो लोग गए हैं जब स्ट्राइक करने पे और मना करने पे भी नहीं माने, उनके साथ क्या किया जाए? जब हमने स्ट्राइक किया था उसके बाद भी कुछ लोग गए, उनके साथ क्या किया जाए, आप लोग बताओ। हाथ उठा के बोलो भाई सब लोग कि उसके साथ क्या किया जाए। हाँ, उनके साथ कार्रवाई किया जाए ना। और एक बता रहा हूं, मैंने 11-12 में वर्करों का पेमेंट 57 करोड़ आया था, जब हमारे पीछे सरकार लोग थे, 2 साल में 57 करोड़ लाए थे, हमने 2 साल में 96 करोड़ लाया है वर्करों का पेमेंट, जस्ट डबल। यूनियन में 2% जो आता है वो लोगों ने 2 साल में 72 लाख रुपया लाया था, हमने 1,49,00,000 लाया है 2 साल में। और सबसे बड़ी बात, हमें पता है कि काफी कुछ हमारे लोग भी हमसे नाराज हैं और हमसे चाहते हैं कि पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उस पर मैं आप लोग की सफाई देना चाहता हूं। हमारे चेयरमैन मिथुन चक्रवर्ती हैं, हमने उस मीटिंग में उन्होंने भी यही बोला था, हम हैं रहेंगे, बोलते रह गए। यूनियन की टूटने की कगार पे आ गई, कुछ पैसे वाले ताकत वाले, मैंने डिमांड किया, मैं नाम नहीं लेते हुए सबको पता है कि मैंने खाने का डिमांड किया था करजत में, तो उसके लिए अनऑथराइज्ड ढंग से फेडरेशन में मुझे बुला करके हमें फेडरेशन से हटाया गया। 15 साल के लिए पहले बैन किया गया, फिर कमेटी को सस्पेंड किया गया, फिर ये बोला गया कि हम इनको नहीं मानते, हम नई इलेक्शन कराएंगे, इनको चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे, जिसका कार्ड कैंसिल है या जो इलेक्शन हारे हैं उनको, किसी को कोई दूसरी यूनियन वाला लाके खड़ा करता है, आपस में ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ कर करके सीट पे जीत के भी आ गए। आपको भी पता है पिछले बार लगभग 6,000 वोटिंग हुई थी, इस बार मेंबर बढ़े हैं कम से कम 8,000, तो इस बार 8,000 से 9,000 वोटिंग होना चाहिए। इन लोगों ने अनऑथराइज्ड ढंग से जबरदस्ती, यहां तक कि बोला गया कि जो काम पे है अगर वोटिंग नहीं देगा तो उसको काम पे नहीं रखा जाएगा, मंथली वालों को प्रोडक्शन मैनेजर लोगों से मिलकर जबरदस्ती उनको वोटिंग देने गया। उसके बाद भी ये लोगों ने पूरी ताकत लगाई, बोलते हैं मैंने 1 से 1.5 करोड़ खर्चा हुआ तो भी वर्कर नहीं सुन रहे हैं, उन्होंने 2,000 भी वोटिंग पूरा नहीं कर पाया। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं कर पाए। और हमने ये सब चीजें लेकर के दादा के पास, हमारे माननीय चेयरमैन थे जो मिथुन चक्रवर्ती जी, पहली तो हमारे चेयरमैन हैं उनको कम से कम साल में एक मीटिंग
होता है, चार साल से मीटिंग में नहीं आए। कोई ए उनको बोलते थे ए उनकी परिवार है, मैं परिवार के लिए सांप पे जैसा बैठा हूँ, पैसे पे कोई नहीं छुएगा। मैं बोलता हूँ साल में एक बार तो आकर के यहाँ पे लोगों का सुनो कि यहाँ है क्या, लोगों को क्या तकलीफ है, हो सकता मैं गलत करता हूँ तो सुनो तो, तुम चेयरमैन हो कि संजू गलत कर रहा है, सामने वाला गलत कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। जब आप आएंगे नहीं, आपसे लोग मिल नहीं पाएंगे तो आप सांप जैसे बैठकर क्या करेंगे। हम गलती करेंगे, चलो हम गलती करते रहेंगे। तो हमारे ऊपर भी चेयरमैन रखा गया है, चेयरमैन को सुनना चाहिए ना। जब इस मीटिंग में नहीं आ सकते तो फिर वो क्या। और मैंने उनको लाख कोशिश किया कि दादा यूनियन टूटने के कगार पे है, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे सैकड़ों धमकियां आई कि राजीनामा दे दो। पुलिस स्टेशनों से कम हर पुलिस स्टेशन से करजत से लेकर के मीरा रोड से कोई आरए से गोरेगांव से ऐसी कोई पुलिस स्टेशन है नहीं जहां से मुझे नहीं बुला के प्रेशराइज किया गया कि तुम इतने बड़े लोगों से क्यों लड़ते हो। आज तक यूनियन वाले जब बड़े लोगों से नहीं लड़ते तो हम क्यों। हमका जब दूसरे जो कर रहे थे, दूसरों को मैंने बदलाव किया है, नए लोग को लाया, इसीलिए जब मैं दूसरे जैसा ही रहूंगा तो दूसरे ही हमसे बेहतर थे, फिर हमें क्यों लोग लाते। अपना हक लड़ने के लिए मुझे लेके आए, और मैं कितना बड़ा भी आदमी रहेगा उनके हक के लिए लड़ूंगा ही लड़ूंगा।